हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स। जो क्वेरीज आप मुझे रेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आपको एक्सपोर्ट ट्रेंड में आगे बढ़ना है। सो आई रियली अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरीवन दोज द पीपल आस्किंग द क्वेश्चन इन द कमेंट्स कि आपको ये समझना है, आपको इस बारे में जानकारी चाहिए। सो हमारी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि हम मैक्सिमम जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसका सॉल्यूशन, ये जो भी हमारे YouTube वीडियोस होते हैं या जो भी हमारा चैनल का माध्यम होता है उससे हम आपको सॉल्यूशन देते रहे। सो आज हमारे पास एक क्वेरी और रिसीव हुई है जिनका नाम है विजय सिंह संधू, जिन्होंने पूछा है कि बायर सेलर मीट ये फियो क्या होता है। सो थैंक यू सो मच विजय जी क्वेश्चन पूछने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायर सेलर मीट क्या होता है। विजय जी, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे फियो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं। इसका मैं बाइफरकेशन में आपको देता हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि बायर सेलर मीट होता क्या है। बायर सेलर मीट के अंदर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो अपॉर्चुनिटीज यहां पे डिफाइन होती है, जहां पे वन ऑन वन बायर और सेलर मीट सामने सामने मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि भाई उनको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। इसके आपने शायद कहीं ना कहीं होर्डिंग्स देखे होंगे, चाहे न्यूज़पेपर में देखा होगा, चाहे फिर मैगजीन में देखा होगा, या कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे भी आपने देखा होगा। लाइक एक्सपो होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये वन टाइप ऑफ बायर सेलर मीट होता है। जिनके स्टॉल्स होते हैं वो तो चलो अपना एक एग्जीबिटर हो गया, बट जो विजिटर होता है दैट इज एन एक्चुअल बायर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी विजिटर है तो वो अपना लाखों का खर्चा करके वो आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पे इंडिया में विजिट कर रहा है, तो वो शायद मेरे ख्याल से एक तरीके से बोल सकते हैं कि घूमने आ रहा है, बट वो शायद एक्सपो विजिट करने आया है। शायद उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। वो पर्टिकुलर एक ट्रेंड होता है, वो हर एक का एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर जो होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या फियो ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, एक्सपो, जहां पे एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड है इंडिया का वो बढ़े। तो यही चीज होती है जहां पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया के पास बहुत मात्रा में है बट हम कर नहीं रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो कि आप उसके अंदर जानना चाहते हैं कि बायर सेलर मीट होता क्या है, क्योंकि यही आपका पोटेंशियल बायर रहेगा जिससे आप फ्यूचर में डील करना चाहते हैं। मे बी पॉसिबल आप जब भी ये एग्जीबिशन विजिट करें, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, आपके ब्रोशर्स होने चाहिए। विजिटिंग कार्ड बहुत अच्छा पोटेंशियल लेके जाइएगा कि आप जब भी वो विजिटिंग कार्ड वो फॉरेनर के हाथ में या जो भी आउट ऑफ इंडिया से जो बायर आए हैं, जो विजिटर आए हैं, उनसे आप जब भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा दैट इज अ लास्ट इंप्रेशन। वी डू नॉट गेट अ सेकंड चांस टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। सो ये आप हमेशा चीज याद रखिएगा। सो अब हम बात करते हैं फियो की, कि फियो क्या है। फियो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। विजय जी, इसी के साइमल्टेनियसली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है जो प्रमोट करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब वर्ड में डिफाइन करिए कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। तो विजय जी, जितनी भी मैक्सिमम प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन मैक्सिमम प्रोडक्ट का सबका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। So, जिसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं है वो फियो में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें रजिस्टर करना क्यों है। तो विजय जी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, दैट्स कॉल्ड एन इंसेंटिव, जो कि होती है स्क्रिप। वो आपको स्क्रिप प्रोवाइड करती है, तो वो स्क्रिप का बेनिफिट लेने के लिए आपको ये मेंबरशिप लेना जरूरी होता है। तो फियो इज एन ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो बढ़ावा देती है हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को कि आप एक्सपोर्ट का रेशियो इंडिया के लिए बढ़ाएं।
और फियो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है। दूसरी एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूं मैं, फियो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो चाइना के अंदर कैंटोन फेयर होता है उसकी नोडल एजेंसी जो है वो फियो है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा के अंदर वो काम कर रही है फियो, क्योंकि चाइना की कैंटोन फेयर जो ऑर्गेनाइज होती है उसकी नोडल एजेंसी जो है वो फियो है। सो कितने लाखों लोग वहां पे एज अ बायर विजिट करते होंगे और उसका टेक केयर, उनकी कंप्लेंट या कुछ भी है वो टेक केयर करती है हमारी फियो। अगर आप इसके मेंबर्स बनते हैं सो ये पोटेंशियल आपको मिलता है दैट यू विल गेट अ जेन्युइन बायर। यस, जहां पे जेन्युइन बायर का लिस्ट वहां पे शेयर होता है। जैसे मैं आपको अब थोड़ा बाइफर्केट कर दूं, फियो एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज फॉर डेडिकेटेड प्रोडक्ट बट फियो इज फॉर जनरल प्रोडक्ट। इसमें आपको डेडिकेटेडली एक प्रोडक्ट के बारे में बायर्स मिलेंगे, फियो के अंदर आपको जनरल बायर्स मिलेंगे। ये डेलीगेशन लेके जाते हैं, फियो जो है वो डेलीगेशन लेके जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, जहां पे आप अगर इनके मेंबर्स बनते हैं तो वो डेलीगेशन में आपको आने जाने का जो भी फ्लाइट का खर्चा होता है, होटल का खर्चा होता है, एग्जीबिशन के अंदर विजिट का खर्चा होता है, सबके अंदर आपको कंसेशन मिलता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी चीज। तो ये पूरा डेलीगेशन लेके जाते हैं जिसमें आपको ये बेनिफिट होता है, और वहां पर जाके भी आपको जो आपने पूछा ना बायर सेलर मीट, वो वहां पे होता है। सो आप जब भी बायर सेलर मीट या फिर आप ट्रेड एक्सपो विजिट कर रहे हैं, ट्रेड फेयर विजिट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज कैरी योर विजिटिंग कार्ड एंड ब्रोशर्स विथ यू टू इंटरैक्ट विथ इंटरनेशनल बायर्स। सो आई होप मैंने इसका पूरा डिटेल में आपको समझाया। अगर इसके अलावा भी आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।